गाइस यहाँ पर हमारी बाइक की स्टार्ट नहीं हो रही F-Z, तो इसको हम धक्का देंगे। टूट जानी टांग टूट जाएगी। नहीं भाई, हाथ से देना पड़ेगा। तो जोर लगा के भाई, 1 2 3 4 गुड। कि मेरे को इस बाइक का एक आप निक नेम सजेस्ट करो। साइड जा, साइड जा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, काफ़ी दिन से मेरे यूट्यूब चैनल पर मोटो व्लॉग्स या फिर कोई वीडियोस नहीं आ रही, उसके लिए सॉरी। क्योंकि गाइस मेरे जो है एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं संडे के दिन फ्री हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेते। तो गाइस ये रही अपनी NS, ऐसी कुछ कंडीशन है, साफ तो है ही। तो अभी हम जाएंगे एक सुबह करते एक छोटी सी राइड, मॉर्निंग राइड होने वाली आज की, फुल मॉर्निंग राइड। तो करते हैं अब राइड स्टार्ट, बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। गाइस अभी अपनी बाइक हो रही कोल्ड स्टार्ट, तो अभी हमारे को पेट्रोल पंप भी जाना है, पेट्रोल भी भराना है थोड़ा बहुत, और सुबाथू में एक दो काम भी है। तो गाइस आप अपनी बाइक को कम से कम हाफ मिनट, मतलब 30 सेकंड तो आप स्टार्ट करके रखो चलाने से पहले। तो गाइस करते हैं अब राइड स्टार्ट, मॉर्निंग राइड। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7, लगभग 7 बज गए, और ये अपना गांव है, गांव से अपना रोड है जो सुबह को शॉर्टकट। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या करें। तो गाइस धूप निकल चुकी है, सुबह सुबह की धूप तो बहुत अच्छी होती है, तो धूप पूरी है जो निकल चुकी है, और हम भी निकल चुके हैं सुबाथू को। तो गाइस अब कर देते हैं बाइक को न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ से हमारी बाइक न्यूट्रल जा सकती, तो न्यूट्रल ले जाएंगे। मैं बनाने को तो व्लॉग डेली बना सकता हूँ, मोटो व्लॉग्स, लेकिन गाइस जो सीन है वो है मेरे पास वाइड एंगल नहीं है, मेरे फ़ोन का जो कैमरा है उसमें वाइड एंगल ही नहीं है, और बिना वाइड एंगल के तो आपको पता ही है मोटो व्लॉग कैसा बनता है। मोटो व्लॉग में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा वाइड एंगल। तो मैं अभी अपने फ्रेंड का, अपना ख़ास दोस्त है, भाई है, उसके फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ जब भी मेरे को मिलता है, जब भी मैं उसको मिलता हूँ तो उससे फ़ोन लेता हूँ एंड फिर बनाता हूँ गाइज मैं मोटो व्लॉग। तो गाइज देख सकते हो स्ट्रगल तो करना पड़ता है ऐसा। तो गाइज मैं सोच तो रहा हूँ कि अपना जो मेरे पास फ़ोन है iPhone 6s, वो बेच दूँ एंड कोई वाइड एंगल वाला फ़ोन ले लूँ। भाई सोच तो मैं कुछ ऐसा ही रहा हूँ, अब देखते हैं क्या सीन बनेगा, कोई लेगा तो ही हम ले पाएंगे। मौसम कुछ अलग ही टाइप का है, सुबह अगर आप राइड करो तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, ग्लव्स नहीं है तो देखो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है हाथों में, एंड अगर जैकेट वगैरह ना हो तो भी बहुत ठंड लगती है, लेकिन मेरे पास तो है। तो अभी इस साइड धूप नहीं आई हुई है एंड उस साइड आई हुई है धूप, और जो मेरा फ्रेंड है वो आगे निकल गया, जब तक मैं अपना सेटअप तैयार कर रहा था वो चला गया आगे, तब तक काम निपटाएगा। तो गाइस जैसे ही हम नदी के क्लोज जा रहे हैं, वैसे ही ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये रही हमारी नदी, ना कोई पुल है ना कुछ, इसमें से हमारे को रिवर क्रॉसिंग करके जाना पड़ता है। ऐसा कुछ व्यू है मॉर्निंग का। तो गाइस मेरे को तो मॉर्निंग में राइड करना सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा मॉर्निंग एंड इवनिंग का जो टाइम है उसमें आप मोटो व्लॉग करो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड मूड भी ठीक ठाक रहता है। दिन में व्लॉग नहीं बन पाता यार, क्योंकि धूप बहुत रहती है, तो इसलिए मॉर्निंग एंड इवनिंग का टाइम मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। तो हमारी बाइक भी 1600 किलोमीटर रन कर चुकी है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अब LED इंडिकेटर्स एंड एक जो फ्लैशर होता है हैज़र्ड फ्लैशर, वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो काफ़ी अच्छे लगते। जब मेरे पास पुरानी स्प्लेंडर थी तो मैंने उसमें भी अपने LED इंडिकेटर्स लगाए हुए थे एंड वो फ्लैशर भी, तो उसका मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक है एंड सही भी लगती है उसमें बाइक, आपने देखे भी होंगे वो KTM स्टाइल वाले जो इसमें इंडिकेटर्स है वो लगवाएंगे। देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी तो मेरे एग्ज़ाम है गाइस,
2 अप्रैल तक मतलब मैं व्लॉग बहुत कम आएंगे, मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह डालता रहूँगा, उसको देखना आप। एंड 2 तारीख के बाद फुल पावर में हम व्लॉग बनाएंगे, डेली वाले मोटो व्लॉग। एंड कहीं ना कहीं हम जाते रहेंगे राइड पे या फिर कहीं घूमने, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस डालने वाला हूँ। तो गाइस अब हम आ चुके इस साइड, अब धूप है इस साइड आ रही है, उस साइड है छांव। तो सुबह सुबह की धूप हम थोड़ी देख लेते, बोलते हैं कि जो सुबह सुबह जो सूरज है उसकी जो वो है किरणें हैं उसको देखना चाहिए, तो हम देख रहे हैं। गाइस अब हम पहुँच चुके कुछ ऐसी जगह में, यहाँ पर फिर भी रोड थोड़ा ठीक है, यहाँ पर अपनी NS को चलाने में इतना दुख होएगा नहीं जितना अपने रोड में होता है। गाइस मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ, जैसे आपको बताइए तो कुछ बोलने में थोड़ी कमी लग रही है, ऐसा होता है। आपको भी कुछ आप भी शायद फील कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो, इग्नोर करना थोड़ा। गाइस आजकल धूल बहुत है रोड में, जैसे मैं चल रहा हूँ तो पीछे आप धूल देख सकते हो कितनी उड़ रही है पीछे वाले बंदे का बुरा हाल हो जाता है यार। अभी हमारे को जाना पड़ेगा सुपाथू मार्केट में, वहाँ पर हमारा एक दो काम है छोटा छोटा, उसको करेंगे, चलेंगे पेट्रोल भराने। एंड अपना भाई भी मिल जाएगा फिर हमारे को, इसके फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी हम साथ चलेंगे पेट्रोल पंप, मज़ा आने वाला है। तो गाइस यहाँ से ये जो जगह, यहाँ से हमारा गांव भी दिखता है, आपको पता नहीं होगा तो मैंने बताया था उसे कई बार है, लेकिन वो देखो वहाँ पर, मैं आपको रुक के थोड़ा दिखा लेता हूँ। गाइस जो देखो वहाँ पर एक गांव से दिख रहे हैं ना, मतलब घर से दिख रहे हैं ना, वो है मेरा घर। एंड चलते अब, घर तो हम रोज़ देखते, आपको भी दिखा लिया तो आपने देख लिया। तो गाइस ऐसा कुछ लगता है हमारा गांव यहाँ से देखने में, काफ़ी बहुत प्यारा लगता है। तो गाइस अब हम एंटर करने वाले अपने सुबाथू में, यहाँ से हमारा सुबाथू है जो वो दिखने लग जाता है। ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, मतलब छोटी है, सिटी भी नहीं है, एक छोटी सी वो है मतलब जगह है। वहाँ पर 14GDC आर्मी का वो सेंटर है, की वजह से थोड़ा फेमस है, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे को मतलब जो मेन काम करने है वो बाहर ही जाना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर हमारी बाइक की स्टार्ट नहीं हो रही FZ, तो इसको हम धक्का देंगे। ओए टांग टूट जाएगी, नहीं भाई हाथ से देना पड़ेगा, मैं देता हूँ स्टैंड ऊपर का थोड़ा। तो जोर लगा के भाई, 1 2 3 4 गुड। तो गाइस ऐसा कुछ सीन वगैरह, अभी अपने भाई की FZ है बाइक, उसमें सेल्फ प्रॉब्लम आ गई थी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो हम भी बंदे जुगाड़ हुए एंड कर दिए हमने स्टार्ट धक्का देके। मैं कोशिश तो धक्का बाइक से मारने कर रहा था ऐसे, लेकिन हो नहीं पाया कि मेरे को इसको करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो गाइस अब हम एंटर कर चुके अपनी बिल्कुल मार्केट में, अभी तो बिल्कुल खाली है एंड शॉप भी कोई ओपन नहीं है क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है। तो गाइस एक काम हमारे अभी यहाँ पर है, इसको पूरा कर लेते। तो गाइस हमारे दूसरा काम भी है वो जो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भराने, एंड जो हमारा जो साथ का भाई है वो आ चुका है, जिसकी क्या हो गया, पीछे खड़ गया यार, आ गया क्या हुआ, तो छपरी राइडर पता नहीं क्यों भगा रहा अब इतनी। ओ भाई साहब कहाँ निकल गया बंदा है कि क्या है, यहाँ भगाने का बिल्कुल मूड नहीं है गाइस। तो गाइस जैसे कि आपने शायद न्यूज़ भी सुनी होगी, सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक जो बस का एक्सीडेंट हुआ है, आई होप आपने सुनी होगी। तो गाइस उसमें कुल मतलब टोटल 7 लोग थे, एंड जो 3 लोग हैं उनकी वहाँ पर डेथ हो गई है अभी तक। तो गाइस मेरे को तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार सुन के, कि
क्योंकि वो बहुत मतलब एज के भी नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा यंग जो थे वो लड़के थे। तो गाइस बहुत बुरा लगा सुन के, तो आप भी थोड़ी राइड सेफ करा करो मतलब जितना हो सके। एंड वैसे कोई डेथ का तो कोई पता नहीं है कि कब आपकी जो मौत हो जाए, तो इसीलिए लिव द मोमेंट, कल पर मत छोड़ो कुछ भी, जो करना है करो, अभी करो। तो बस राइड सेफ करा करो एंड जितना हो सके बचो एक्सीडेंट से। आ जाओ भाई यहाँ से, आता जगह दे दी देखो। गाइस अभी हम यहाँ से निकल पड़े पेट्रोल पंप के लिए, एंड ये अपना भाई है जो यहाँ पर ये काम कर रहा है कुछ, तब तक हम पेट्रोल भराते हैं। हमारे टोटल 5 मिनट लगे हैं, काफ़ी नज़दीक है यहाँ से पेट्रोल पंप। तो गाइस आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो NS है मेरी 160, इसको बाय करने से पहले मैं RC 200 बाय कर रहा था KTM की, जो कि एक सेकेंड हैंड थी, तो ज़रा मतलब चली भी नहीं हुई थी, 10-11 हज़ार किलोमीटर चली थी एंड नहीं ले पाया उसको, हो नहीं पाया। बस जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर हमारे पास आ गई अपनी NS। तो गाइस मैं आपसे एक मतलब एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक बात बोलूँगा कि मेरे को इस बाइक का एक आप निक नेम सजेस्ट करो, क्योंकि गाइस जो मेरे कुछ पता नहीं चल रहा मैं क्या नाम रखूँ इसका। मेरे पास बहुत नाम आ रहे 100, तो मेरे पता नहीं चल रहा मैं क्या नाम रखूँ। तो गाइस आप प्लीज़ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। तो भाई अभी पैसे भी चेक कर लेते हैं कहीं गिर गुर तो नहीं गए, ऐसा ना हो पेट्रोल लम भरा दे एंड उसके बाद लगे बताइए पैसा ही नहीं है। चलो गाइस पैसे तो है। तो अभी तो बहुत भीड़ है गाइस यहाँ पर, 200 का कर दो। तो गाइस हमारा पेट्रोल भर चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ 2 सेल है। तो मेरा एक रीज़न ये भी था क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि यहाँ पर जो पेट्रोल मिलता है वो थोड़ा ख़राब सा मिलता है। तो गाइस ओवरलोड काफ़ी है इसमें, तो आप काफ़ी अच्छा बंदा था, इसने हमारे को अच्छे से जो है पास दे दिया। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं प्यारे प्यारे रोड पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। गाइस मेरा तो वो एक्सीडेंट वगैरह सुनने के बाद मतलब मूड ही नहीं करता है कुछ भी रैश ड्राइविंग करने का, फास्ट बिल्कुल। वैसे तो मैं फास्ट चलता ही नहीं हूँ, जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल है जो आप देखते होगे। तो गाइस राइड सेफ करा करो, आराम से चलाया करो, चल। तो गाइस यहाँ पर हमारा वेट कर रहा था, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है जैसे कि आप देख सकते हैं। खात भाई 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 आ जाओ। अबे साले तेरे को थोड़ी ना दी थी, बड़े ट्रक वाले को दिखा दी, ये घुस गया अंदर, ये सही है। और भाई साहब इसके नीचे आ गए तो हम, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, क्योंकि गाइस जिंदगी में रहे तो वो बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ राइड करेंगे, बहुत कुछ बड़ा करेंगे, अगर नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए तो गाइस यहाँ पर हमारे साथ राइड करते हुए एक RS 200 भी आ गई है, ये भी रेस के मूड में है। तो भाई तू जो मर्जी कर ले, दिस इज दीपांश ठाकुर मोटो ब्लॉग्स। ऐसे क्या हो गया, मैं आपको अभी भी बोल रहा था कि राइड सेफ एंड अभी खुद ही, लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि मैं जितना पकाया कंट्रोल में था, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस अभी जैसे कि आपने देखा एक बंदा मतलब रैंडमली आ गया था एंड रेस लगाने लग गया था। RS 200 थी मेरी बाइक से 40 cc ज़्यादा की अलग अलग सील होती है, उस पर मैटर भी है। काफ़ी मज़ा आया थोड़ी सी राइड करके, हम थोड़ा सामान वगैरह लेंगे एंड उसके बाद फिर से घर को वापस। तो गाइस ये रही अपनी NS, काफ़ी अच्छी लग रही देखने में, जैसे कि आपने देख लिया तो काफ़ी अच्छी लग रही, चलते हैं। काफ़ी मज़ा आता है यार, मतलब
जब कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तो गाइस काफ़ी मज़ा आएगा आपको राइड करने में। साइड जा, साइड जा। तो अभी के लिए हम अपनी बाइक यहाँ पे पार्क करेंगे। ये रही अपनी NS, पार्किंग पर लग गई। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम बस यहाँ से बाजार से वापस घर चल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।